अस्सलाम व्यूवर्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए अफ़गानी पुलाव की रेसिपी। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें जी, अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है वो पैन लिया, या आप कुकर ले सकते हैं। आप इसमें आपने शामिल कर लेना है बीफ 1 किलो, 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच लौंग और साथ ही आपने 1 चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर लेना है और 1 चम्मच इसमें हम जो है वो ज़ीरा शामिल करेंगे और 2 चम्मच जो है वो मैंने इसमें नमक शामिल कर लिया है। साथ ही आपने इसमें हद पे ज़रूरत जो है वो पानी को शामिल कर लेना है। पानी को शामिल करने के बाद जो है वो आपने इस पर कवर कर और आपने इसको सीटी लगा देनी है। जैसे ही आप इसको लगाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जो है वो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो पकने देना है। जैसे ही गोश्त गल जाएगा तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ये जो है, ये देखें, अब जो है आपने किसी भी स्पैचुला की मदद से जो है वो चेक कर लेना है कि गोश्त जो है वो गल गया या नहीं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गल चुका है गोश्त, क्योंकि मैंने हाथों की मदद से जो है वो उसको चेक कर लिया था। अब जो है वो मैं दूसरी साइड पे क्या करने जा रही हूँ, मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल करने के बाद मैंने इसमें 2 अदद जो है वो प्याज शामिल किए हैं, बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं और मैंने इसको अच्छा सा हल्का सा भूनना शुरू कर दिया है ताकि ये बिल्कुल लाइट से ब्राउन हो जाए। आपने इसको हल्की आँच पर जो है वो भूनते चले जाना है ताकि ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए। साथ ही इसमें अब जो है वो मैंने 2 अदद टमाटर शामिल कर लिए हैं। टमाटर भी मैंने बारीक काट कर लिए थे और मैंने इसको शामिल कर लिया है। और इसके बाद जो है वो आप क्या करेंगे, आपने इसको अच्छे से पका लेना है। जैसे ही इसका प्याज और टमाटर का पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हम जो है वो इसमें बाकी मसाला जात जो हैं वो शामिल करेंगे। आप जब अफ़गानी पुलाव की रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आपके घर में आने वाले मेहमान भी बहुत खुश होंगे और उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। साथ ही इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च को शामिल कर दिया है। करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाएं। अफ़गानी पुलाव की ऐसी रेसिपी है कि हम लोग कभी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को मुहैया होती है और घर पे लोग जो है वो इसको उसके लिए जो है वो घर पे तरसते रहते हैं कि जी हम लोग कैसे इस चीज़ को खाएँ। तो आप ये रेसिपी जो है वो घर पर भी बना सकते हैं। ये अब जो गोश्त हमने पहले से बॉईल कर लिया था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अब उसको जो है वो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ताकि जो मैंने प्याज और टमाटर, नमक, काली मिर्च और 1 चम्मच लाल मिर्च शामिल की थी उसमें इस गोश्त को मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि अगर गोश्त में किसी किस्म की स्मेल है तो वो भी ना रहे और गोश्त जो है वो अच्छे से भून लिया जाए। इसी तरह आपने जो है वो बिल्कुल इसको हल्की आँच पर जो है वो भूनते चले जाना है। और साथ ही जो आप हमने मतलब जो यखनी बनाई थी जिस पानी में हमने गोश्त को बॉईल किया था तो वो आप इसमें 1 कप जो है वो शामिल कर लेंगे और इसी पानी में ही जो है वो जो राइस हैं वो हमारे पक भी जाएंगे और बॉईल भी हो जाएंगे। जैसे ही इसमें अब बॉईल आएगा, मतलब मैंने इसमें 2 कप पानी शामिल किया था, करने के बाद जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। यहाँ पर जो मैंने चावल की क्वांटिटी ली है वो है 2 किलो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप 1 किलो बनाना चाहें, 2 किलो बनाना चाहें, जितना आप बनाना चाहें तो आप उसके मुताबिक जो है वो पानी को शामिल कर लेंगे। करने के बाद जब जैसे ही हमने इसमें चावल शामिल किए हैं, चावल शामिल करने के बाद जो है इसको आपने ढक्कन दे के कवर कर देना है और जब तक आपने इसको 5 से 7 मिनट पकाने के बाद जो है इसमें 1 कप जो है वो दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद जो है इसको आपने कवर कर देना है। कवर करना है आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए और साथ ही जो चावल हैं वो भी गल जाए। ये देखें, पानी जो है वो खुश्क हो गया है और हम अब जो है दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि यह हमारा अफ़गानी पुलाव। अफ़गानी पुलाव के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए सबसे पहले जो है हमारे पास है गाजर, ठीक है। गाजर को जो है वो मैंने बिल्कुल बारीक कट कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो, आप अगर कट नहीं करना चाहते छुरी की मदद से तो आप इसको जो है वो क्रश भी कर सकते हैं किसी भी सांचे की मदद से। ज़्यादा बेटर तो यही होगा कि आप इसको छुरी की मदद से कट कर लें।
अब जो है वो मैं एक पैन ले रही हूँ, पैन में मैंने दो थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लिया, इसी में मैं इस गाजर को फ्राई कर लूँगी। ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो ये गाजर है बिल्कुल मतलब सॉफ्ट हो जाए। हमने इसको पकाना नहीं है, ताकि जब हम इसको खाएँ तो हमारे मुँह में क्रंची सा टेस्ट आए। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो चीनी शामिल कर ली है, क्योंकि अफ़गानी पुलाव है और अफ़गानी पुलाव का जो टेस्ट होता है वो मीठा मीठा आता है, इसलिए बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। और साथ ही जो हमारी ओल्ड एज फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जो फ्राई किए थे हमने गाजर को, मैंने जो फ्राई किया था वो आपने ऊपर ही चावलों के ऊपर श्रिंक कर लेना है। अब साथ ही मैं इसमें जो है वो ड्राई फ्रूट्स लेती जा रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मैंने इसमें बादाम और पिस्ते को शामिल कर लिया है, और इसको भी मैं हल्की आंच पर जो है वो पका रही हूँ। आप चाहे तो कोई और भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब साथ ही मैंने इसमें 1 कप जो है वो किशमिश को शामिल कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा इसको भून लेना है, ताकि जो इस भूनने से ये होता है कि हर चीज़ का अपना एक टेस्ट आ जाता है। अब आपने जो है वो इसको ऊपर शामिल कर देना है, चावलों के ऊपर शामिल कर देना है तमाम ड्राई फ्रूट्स को, क्योंकि अफ़गानी पुलाव में ड्राई फ्रूट्स ना हो तो अफ़गानी पुलाव जो है वो लगता ही नहीं है कि हमने कुछ बनाया है। अब जो है हम इसको कवर करने जा रहे हैं, दम के लिए रख रही हूँ मैं। दम करने के बाद जो है फिर हम इसको देखेंगे कि हमारे अफ़गानी पुलाव कैसा दिख रहा है और क्या इसकी खुशबू आ रही है। 5 से 7 मिनट के लिए आपने दम दे दिया, देखें ये देखें जी। अब दम देने के बाद मैं इसको ओपन कर लिया है, और जैसे ही मैं इसको हिला रही हूँ उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और चावल देखें, एक एक चावल हमारा पड़ा है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि गाजर और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें कैसे मिक्स हो गए हैं और किस तरह जो है उसकी खुशबू आ रही है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और एक और बात मत भूलिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी ज़रूर आपने देखना एंड तक, क्योंकि जब तक आप एंड तक इस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप इस रेसिपी को बिल्कुल भी नहीं बना सकेंगे। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, और आपके घर में जितने भी मेहमान आएंगे आपने उनको ये खिलाना है। जैसे ही आप इसको अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपके दीवाने हो जाएंगे, वो आपके फ़ैन हो जाएंगे, और हर वक्त वो आपसे फरमाइश करेंगे कि जी हमने खाना है तो सिर्फ अफ़गानी पुलाव ही खाना है। ठीक है, ये ले जी, ये मैं अब सर्विंग कर रही हूँ। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और घर पे सबको खिलाना भी है। अगर किसी को ना खिलाएं तो खुद खाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।